टाइम मैगजीन की वर्ष 2016 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत की 6 हस्तियों को जगह मिली है, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा कवर पेज पर छाई हुई है। वहीं इनके अलावा चाइनीज स्टार सानिया मिर्जा, आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन, फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिनी बंसल और सचिन बंसल, साथ ही पर्यावरणविद सुनीता नारायण के नाम भी शामिल हैं। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी छाप छोड़ चुकी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के सितारे बुलंदियों पर हैं। ये कह सकते हैं कि उनका टाइम अच्छा चल रहा है। बहुचर्चित पत्रिका टाइम की ओर से जारी दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में प्रियंका चोपड़ा का नाम भी शुमार किया गया है। ये वो मुकाम है जहाँ पहुँचने की ख्वाहिश ग्लैमर की दुनिया में सभी की होती है। वैसे ये सिलसिला 1976 से शुरू हुआ था, जब उस वक्त की मशहूर अभिनेत्री परवीन बॉबी टाइम मैगजीन के एशियाई एडिशन में कवर पेज पर छाई थी। आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय आदि सितारे भी टाइम के कवर पेज पर आ चुके हैं। वैसे प्रियंका चोपड़ा के लिए यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। 18 जुलाई 1982 को जन्मी प्रियंका मिस वर्ल्ड 2000 प्रतियोगिता की विजेता रही हैं। हिंदी फिल्मों में उनके करियर की शुरुआत द हीरोरी ऑफ अ स्पाई लव स्टो से हुई थी। फिल्म फैशन में निभाए गए उनके किरदार के लिए उनकी काफी प्रशंसा हुई। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस वक्त प्रियंका अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म बेवॉच की शूटिंग में व्यस्त है। फिल्म में प्रियंका के को स्टार ड्वान जॉनसन ने टाइम मैगजीन में उनके लिए लिखा है कि उनमें एक ललक, महत्वाकांक्षा और आत्मसम्मान है और वह जानते ही है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने टाइम मैगजीन की आइकन्स की कैटेगरी में जगह बनाई है और वो इस लिस्ट में अकेली भारतीय हैं। टेनिस में भारत का नाम ऊंचा करने वाली खिलाड़ी सानिया मिर्जा, ये वो नाम है जिन्होंने 2003 से 2013 तक लगातार महिला टेनिस संघ के एकल और डबल में पहला स्थान बनाए रखा। 2006 में जब सानिया 18 साल की थी, तब उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। वो इस सम्मान को पाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है। हाल ही में सानिया को टेनिस में शानदार प्रदर्शन के लिए पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था और इससे पहले सानिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी अपने नाम किया है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने देश के सभी नेताओं को पछाड़ते हुए लीडर्स कैटेगरी में जगह बनाई है और वो इस कैटेगरी में अकेले भारतीय हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 23वें गवर्नर रघुराम राजन अर्थजगत से जुड़े कई अवार्ड्स जीत चुके हैं और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। रघुराम राजन वर्ष 2003 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सबसे कम उम्र के आर्थिक सलाहकार और शोध के निदेशक बने। रघुराम राजन ने यूरोप और यूएस में 2008 के दौरान आए आर्थिक संकट को लेकर 2008 से 2012 की समय अवधि के लिए रिसर्च पेपर लिखा, जिसमें इसके आर्थिक संकट के कारणों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई थी। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट के संस्थापक बिनी बंसल और सचिन बंसल को टाइम ने टाइटन्स कैटेगरी में शुमार किया है और इस कैटेगरी में भारत की तरफ से बस ये दोनों भाइयों ने जगह बनाई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंटरनेट उद्यमी और भारत के बड़े ई कॉमर्स औद्योगिक संस्था फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बंसल बंधुओं का नाम भी टाइम मैगजीन में शामिल है। वर्ष 2015 में फोर्ब्स पत्रिका में बंसल बंधु भारतीय ई कॉमर्स से पहले अरबपति थे, जो 1.3 अरब डॉलर के साथ 86वें पायदान पर फोर्ब्स की सूची में दाखिल थे। पर्यावरणविद और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की डायरेक्टर जनरल सुनीता नारायण को टाइम ने पायनियर्स की कैटेगरी में जगह दी है और इस कैटेगरी में वह अकेली भारतीय हैं। पर्यावरणविद और राजनीतिक कार्यकर्ता सुनीता नारायण समाज की हरित विकास की सार्थक हैं। वे मानती हैं कि पर्यावरण में फैलती अशुद्धता प्रकृति और पर्यावरण की होती दुर्दशा से सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं, बच्चों और गरीबों को होता है, जिसकी वजह से दशकों से वे पर्यावरण और समाज की मूलभूत समस्याओं के लिए जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं और वर्ष 2001 में उन्हें इसी संस्थान का निदेशक बना दिया गया था। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए पानी से जुड़ी समस्याओं, प्रकृति और वातावरण से जुड़े मुद्दों आदि पर काम किया। सुनीता नारायण के बेहतरीन कार्यों के लिए उन्हें 2005 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था।
तो साफ है कि भारती अपने काम से ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है और टाइम जैसी मैगजीन में इनका नाम आना इस बात की तस्दीक करता है। देखते रहिए जीबी लाइव।